हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये फिल्म मेकर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक नए फिल्म मेकर है, आप नए डायरेक्टर है या फिर नए प्रोड्यूसर है, तो क्या आप अपनी फिल्म को कम बजट में, कम इक्विपमेंट्स में बना सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आप एक नए डायरेक्टर है, नए फिल्म मेकर है, नए प्रोड्यूसर है, तो यूजुअली नए में लोग कम बजट में ही फिल्म्स को या शॉर्ट फिल्म्स को या फिर वेब सीरीज को बनाते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग करियर में रहते हैं तो आपके पास बजट कम होता है, आपके पास बजट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसे कम में बनाना रहता है। और कम में बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं फिल्म मेकिंग में। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अगर आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं तो क्या कम इक्विपमेंट्स में किसी शॉर्ट फिल्म को या वेब सीरीज को या फिर फीचर फिल्म को बनाना पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निक्स मालूम होना चाहिए। आप बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करके फिल्म मेकिंग को, जो फिल्म मेकिंग के बड़े बड़े टेक्निक्स होते हैं या फिर जहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसी तरह का काम आप बिल्कुल कम में ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लेंगे, बहुत महंगे महंगे कैमराज लेंगे, तभी आप फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। और देखिए, ये जो वीडियो है ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है फिल्म मेकर्स के लिए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कम में भी अपनी फिल्म को बना पाए। देखिए, सपोज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि बहुत बड़े कैमराज से, जैसे कि रेड कैमरा हो गया या फिर एरी एलेक्सा हो गया, इन कैमराज पर शूट करके ही किसी फिल्म को बनाया जा सकता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप अगर चाहे तो, आपको अगर टेक्निक्स मालूम है, आपके अंदर फिल्म मेकिंग का जुनून है, तो आप स्मार्टफोन से भी एक बहुत अच्छी मूवी शूट कर सकते हैं। चलिए, स्मार्टफोन की बात हम लोग अभी यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन से भी बनाना चाहें तो भी आप इससे भी फिल्म बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाए, जैसे आप DSLR की बात करें, तो बहुत सारे DSLR आजकल मार्केट्स में आ गए हैं जो वीडियो के पर्पस से है। आपको उसमें 4K वीडियो का रेजोल्यूशन मिल जाता है और उन DSLR से आप आसानी से शूट कर सकते हैं अपने फिल्म को। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप DSLR से शूट करेंगे तो आप इसे सिनेमा थिएटर में प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल प्रोजेक्ट कर पाएंगे। यहाँ तक कि स्मार्टफोन से भी अगर आप उसे 4K में शूट करते हैं तो भी आप उसे प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप उसे सिनेमा थिएटर में प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो आपको वहाँ पर फुल HD में ही प्रोजेक्ट करना होगा, यानी 2K में ही प्रोजेक्ट करना होगा। तो ये तो थी कैमरा की बात, कि कैमरा आपको बहुत महंगा नहीं रखना है कि अगर आप रेड एरी ये सब से करेंगे तो ही होगा। आप यूजुअली स्मार्टफोन या फिर DSLR से भी काम चला सकते हैं। बात रही इक्विपमेंट्स की, तो इक्विपमेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि क्रेन इक्विपमेंट्स होता है, ट्रैकिंग शॉट्स के लिए डॉली इक्विपमेंट्स होती है, तो बहुत तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, गिम्बल्स होते हैं। तो इन सब में जो महंगे महंगे इक्विपमेंट्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको हायर करेंगे या उन सबको परचेस करेंगे तभी आप फिल्म को बना सकते हैं। अगर आपके पास एक गिम्बल होगा तो भी आप आसानी से स्टेडी शॉट्स ले सकते हैं, आप आसानी से जो ट्रैकिंग शॉट्स होता है वो मूव करके आप ले सकते हैं। फिर बूम मूवमेंट्स के लिए जहाँ पर क्रेन का यूज़ होता है, तो आप स्मॉल जिप से भी काम चला सकते हैं, जो यूजुअली पोर्टेबल जिप्स होते हैं, 8 feet 12 feet, इन सब से भी आप काम चला सकते हैं, लुक लगभग वैसा ही आएगा। अगर आप पुश इन शॉट लेना चाहते हैं या फिर पुल आउट शॉट लेना चाहते हैं, तो उन शॉट्स के लिए भी अगर आप चाहे तो अपने हैंड्स से भी बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करके उन शॉट्स को ले सकते हैं और स्मूथ मोशन में ले सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप जो वर्क डॉली से होता है उन सभी वर्क्स को आप अपने हैंड से कर सकते हैं। आप यूजुअली अगर सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स देखेंगे या क्राइम पेट्रोल इन सब सीरियल्स को देखेंगे, CID देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि कैमरा हल्का हल्का हमेशा हिलता रहता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इन सब सीरियल्स में ज़्यादातर सीन्स को हैंड हेल्ड शॉट्स में लिया जाता है, यानी हाथ से लिया जाता है, कैमरा को हाथ पर पकड़ कर लिया जाता है या फिर कंधे पर रख कर लिया जाता है, तो इसलिए सीन्स जो है वो थोड़ा शेकी लगता है। तो देखिए, अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आप अगर हैंड हेल्ड शॉट्स भी लेते हैं, लेकिन अच्छे से लेते हैं, केयरफुली लेते हैं, आप प्रैक्टिस करके लेते हैं, तो बिल्कुल आप उससे भी एक बेहतरीन मूवी, शॉर्ट फिल्म या फिर आप वेब सीरीज बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इस कोर्स का नाम है ए टू जेड स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। ए टू जेड स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।